हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की मेंसुरेशन, ठीक है ना, और वो भी एनसीईआरटी के हिसाब से, क्योंकि मैं day 1 से कहता आ रहा हूं आपको कि एनसीईआरटी फाउंडेशन है, एनसीईआरटी फाउंडेशन है, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं या फिर दुनिया में कोई भी पढ़ा रहा है, चाहे वो कितना अच्छा पढ़ा रहा है, उसने पढ़ा सबसे पहले कहां से होगा, एनसीईआरटी से पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि एनसीईआरटी फाउंडेशन है, एनसीईआरटी फाउंडेशन है, और आप जितना अच्छा एनसीईआरटी करोगे उतना अच्छा आपका स्केल होगा चैप्टर में, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और हिंदी में कहो तो क्षेत्रफल। मैथ के लिए हिंदी इंग्लिश नहीं होना चाहिए, और आयतन। और मैं गारंटीड कह रहा हूं, अगर जिसने एनसीईआरटी को क्लास 9 को और क्लास 10 को मेंसुरेशन अच्छे से कर लिया, वो एसएससी सीजीएल तक का पेपर निकाल देगा, गारंटेड है। एसएससी सीजीएल तक का पेपर निकाल देगा, गारंटेड है। और आपका पेपर तो बहुत छोटा है उसके कंपैरेटिव, मैथमेटिक्स के सेंस में, ठीक है ना। तो मैं ये सीरीज जो स्टार्ट कर रहा हूं, इसका नाम हो जाएगा मेंसुरेशन, ठीक है ना, क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम करेंगे क्या, हम क्लास 9 के पहले सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, फिर क्लास 10 के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। और बहुत मजा आने वाला है, बस आप लोग जुड़ सकते हो तो जुड़ो ज्यादा से ज्यादा। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं और आपको दिखेगा कि मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन मेरा करा हुआ आप तक जब ही पहुंचेगा जब आप मेहनत करोगे, ठीक है ना। तो देखो, मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाता हूं जिस तरीके से मैंने सोचा। चैप्टर 13 में ना, मान लो 13.1 से लेके 13.4 तक सारी एक्सरसाइज एरिया की है, फिर 13.4 से लेके 13.8 तक सारी एक्सरसाइज वॉल्यूम की है, और ये मैपिंग है। मैपिंग का मतलब है, सॉरी, 13.5 से लेके, मैपिंग का मतलब है 13.1 और 13.5, 13.2 और 13.6, 13.3 और 13.7 और 13.4 और 13.8। मैपिंग का मतलब समझाता हूं, ये चीज बहुत कम बताएंगे, ठीक है ना। सुनना क्या मैपिंग का है, अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है ना। मैपिंग का मतलब है 13.1 किसके बेस पे है, क्यूब और क्यूबॉइड के, और हिंदी में कहते हैं घन और घनाभ। तो 13.5 भी घन और घनाभ पे होगा, बस 13.1 होगा एरिया पे और 13.5 होगा वॉल्यूम पे। तो हम इसे कहेंगे डबल अटैक। क्या कहेंगे, डबल अटैक। डबल अटैक मैं नाम देता हूं, मैं क्यों देता हूं सुनना। अब मैं जब सबसे पहले दिन उठाऊंगा क्यूब और क्यूबॉइड, सबसे पहले दिन उठाऊंगा क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ, तो मैं इसके एरिया के भी और वॉल्यूम के भी दोनों फॉर्मूले एक साथ बताऊंगा और सारे कंसेप्ट एक साथ बताऊंगा जो भी इस चैप्टर में है, मतलब जो भी आपके पूरे कोर्स में है। अगर आप मैथमेटिक्स में वीक हो तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, 13.1 करेंगे और तुरंत 13.5 करेंगे, फिर अगले 13.2 और 13.6 का डाटा बताऊंगा, ऐसे करते करते एक साथ दो दो एक्सरसाइज करेंगे, और अगर आप साथ में चलते हो तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं क्यूब किसे कहते हैं। मुझे अभी इसमें पेज ऐड करना नहीं आता, इसलिए मैं इसी की दाएं बाएं लिख रहा हूं। अगर कोई शेप आप लेते हो, अगर कोई शेप आप लेते हो और उस शेप की एल बी और एच तीनों बराबर है, एल बी और एच तीनों बराबर है, तब उसे क्यूब कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, घन। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तो आपको पता होगा। अगर आप कोई शेप लेते हो,
उसकी एल बी और एच बराबर नहीं है तो उसे क्यूबॉइड कहते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि एल और बी बराबर और एच बराबर ना हो तब भी वो क्यूबॉइड होगा, बस क्यूब के लिए ये कंडीशन है। हिंदी में कहते हैं इसे घनाभ, घनाभ। तो सुनना मैं क्या कह रहा हूं, क्यूब के लिए ये कंडीशन है, घन के लिए कंडीशन है, इसको छोड़ के कोई और कंडीशन भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता था एल इज नॉट इक्वल टू बी बट इक्वल टू एच, वो सब के सब किस कैटेगरी में आएंगे, क्यूबॉइड के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल समझ सकते हो, आपका लूडो का पासा डाइस, आपका जो रूबिक क्यूब होता है वो, इसका एग्जाम्पल तो सबसे बेस्ट है ब्रिक, आपका जो कमरा है रूम, ठीक है ना, उसकी एल बी एच तीनों बराबर नहीं होती है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये समझना था, ठीक है ना। अगर आप और थोड़ा डिटेल में जाना चाहो तो आप ये भी समझ सकते हो कि भाई एक स्क्वायर, स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग, एक वर्ग को अगर 3D में ले जाओगे, मतलब इसको 3 डायमेंशनल में ले जाओगे एलबीएच में, तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। इसी तरीके से अगर एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब आयत, आयत को 3D में ले जाओगे तो वो क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। ये भी बहुत आसान है, सारे बेसिक, मतलब अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले देखो, अब सबसे पहले मैं आपको क्यूब के फॉर्मूले लिख देता हूं, ठीक है ना, मैं आपको क्यूब के सारे फॉर्मूले लिख देता हूं, ठीक है। चलो तो क्यूब के फॉर्मूले, सबसे पहला हम लिखते हैं एरिया के फॉर्मूले। तो सबसे पहला आता है जिसे हम कहते हैं टी एस ए, इंग्लिश में कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, और हिंदी में कहते हैं संपूर्ण, हिंदी थोड़ा गलत हो सकता है, पृष्ठ, मतलब राइटिंग नहीं वो स्पेलिंग, क्षेत्रफल। तो अब दिमाग लगाओ, अगर आप एक, सॉरी, अगर आप एक क्यूब लेते हो, दिमाग लगाना, बहुत आसान है, याद करना ही नहीं पड़ेगा। इसका जो एक फेस है, कोई सा भी फेस ले लो, वो एक फेस क्या है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों, साइड इनटू साइड, दैट इज ए स्क्वायर। और एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस, तो टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, 6 स्क्वायर। बहुत आसान हो गया। चलो दूसरी जो चीज आती है वो दूसरा फॉर्मूला आता है जिसे कहते हैं एल एस ए, और हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, हिंदी में कहते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अब मैं आपसे पहले दिन से कहते आ रहा हूं कि अगर आप चीजें समझोगे तो याद करना ही नहीं पड़ेगा। सबसे पहले समझ लो कि एलएसए कहते किसे हैं या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहते किसे हैं। मान लो आप एक क्यूब लेते हो, मान लो आप एक क्यूब लेते हो, ठीक है ना, उसमें ऊपर और नीचे, मतलब ऊपर और नीचे से खाली है, मतलब ऊपर वाला फेस नहीं है और नीचे वाला फेस नहीं है, और दीवारें दीवारें हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप अपने कमरे में सफेदी करा रहे हो, कितने फेस में कराते हो, 4 फेस में सफेदी कराते हो, 4 दीवारों में, छत में नहीं कराते और फर्श में नहीं कराते। उस केस में क्या लगेगा, एलएसए लगेगा। और दिमाग लगाओ, 4 फेस है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ये भी आसान है, समझ आया ना। चलो अगला जो क्यूब में फॉर्मूला होता है, तीसरा फॉर्मूला, उसे कहते हैं, इसे किताब में तो ऐसे एग्जैक्टली नहीं लिखा लेकिन बहुत आसान है, 5 फेस एरिया, हिंदी में कहेंगे 5 पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला 5a स्क्वायर, क्यों, सुनते रहना। अब मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, मानो यही क्वेश्चन आ गया, एक क्यूब है, कहेंगे कि इस क्यूब में इसका ढक्कन नहीं है, इसका ढक्कन नहीं है और बाकी सारे फेस है, तो एरिया निकालो, तो क्या लगेगा, 5 फेस एरिया, 5a स्क्वायर। कॉपी में लिखते रहना, किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एडिशनल टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आगे देखो, अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए की क्यूब, और वॉल्यूम को हिंदी में कहते हैं आयतन। आयतन का मतलब होता है जितना स्पेस वो कैरी कर सकता है, तो हिंदी में कह सकते हैं भुजा
गुणा भुजा, गुणा भुजा, ठीक है ना। चलो ये अब इसके बाद आती है क्या, हो मिल गया स्पेस, ये स्पेस तो ढूंढ रहे हैं। अब आता है घनाभ, हिंदी में कहते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में वही पहला होता है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 2L into B, B into H, H into L। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, इसी से समझ लो। मान लो ये क्यूबॉइड है, मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की, अगर आप समझना चाहोगे तो समझ जाओगे। मैं तरह तरह के कलर भी यूज करता हूं, ठीक है ना। चलो आप अपने कमरे को ही, मैं ओ हो यार ये क्या हो गया, चलो छोड़ो। आप अपने कमरे को इमेजिन करो, ठीक है ना। आप अपने कमरे को इमेजिन करो, कमरे में देखो, एक तो आपका छत है, एक आपका फर्श है, ठीक है ना। देखते रहना, आपके साइड की तरफ दो है फेस, जिसे आप दीवारें कह लो, और दो है एक आगे वाला और एक पीछे वाला, जो दिखेगा नहीं। अगर आप अपने कमरे को देखो तो इसमें मान लो ये लेंथ है, मान लो ये, देखो समझाऊंगा फॉर्मूला, वैसे समझाने की जरूरत नहीं है, बच्चे याद करते हैं और आप भी याद कर सकते हो, लेकिन फिर भी मान लो, देखो ये कमरे की लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, सही है ना। आप देखते रहना मैं क्या कह रहा हूं। इस कमरे के फर्श को देखोगे तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आयत का फॉर्मूला यही फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का। छत का भी हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन इस फेस का देखोगे तो इसका हो जाएगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ब्रेथ इंटू हाइट, और इसका भी क्या हो जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट। आगे वाले का देखोगे, आगे वाले फ्रंट फेस का, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो आगे वाले में क्या चल रहा है, ऊंचाई और लंबाई, L into H, और पीछे जो फेस छिप गया उसका भी इंटू होगा L into H। तो आपने क्या देखा, दो बार LV आएगा, दो बार BH आएगा और दो बार HL आएगा, तो उसी को इन्होंने फॉर्मुलेशन का नाम दे दिया, और ये डायग्राम भी वही एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा आता है LSA, LSA मतलब वही पार्श्वरूपी क्षेत्रफल, इसमें ऊपर और नीचे वाले फेस नहीं होंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 2L plus B multiply H। पता है ये फाउंडेशन है, आपको अगर मैं कैसा भी बैच स्टार्ट कर दूं, लेकिन दुनिया दिखावे पे चलती है, मैं बैच स्टार्ट कर देता हूं कि PRT 2.0, 3.0, 5.0, लो गो वो, ठीक है ना। इससे एग्जाम नहीं निकलता, एग्जाम निकलता जब आपके फाउंडेशन क्लियर होंगे, क्योंकि पेपर में क्या क्वेश्चन आने वाला है ये आपको क्या, मुझे क्या, किसी को नहीं पता है। तीसरा होता है 5 फेस एरिया, और उसका होता है 2LB BH HL minus LB। हमने वही करा, ये 6 फेस का है और ये 1 फेस का है, तो 6 फेस में से 1 फेस गया 5। इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, 2L plus B BH plus LB, इसमें क्या हुआ, ये 4 फेस का है और ये 1 फेस का है 5। तो जो LSA होता है वो इनडायरेक्टली 4 फेस का एरिया होता है, समझे ना। क्यों, क्योंकि LSA में 4 फेस होते हैं। बिल्ली, एक्चुअल में हमने एक कुत्ता पाला है, मैं कहानी सुनाता हूँ इसकी, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा नहीं आएगा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे जर्मन शेफर्ड डॉग बहुत पसंद थे, अभी भी है, लेकिन अब मेरे हालात नहीं होने पालने का, क्योंकि मैं तो कहीं और रहता हूँ काम के चक्कर में, ठीक है ना। तो देखना, जर्मन शेफर्ड मैंने एक पाला, उसके साथ कुछ ट्रेजिडी भी फिर कहीं बताएंगे, फिर दूसरा पाला, दोनों थे मेरे पास। अभी जो तो दूसरा वाला, इसका नाम मैंने रखा ब्लैक सी, क्योंकि मैं सोचता था काला काला बाल थे, मैं सोचा काला समुद्र, फिर मेरे घर वाले बोलने लग गए इसे ब्लैक, फिर उसमें से कई लोग बोलने लग गए ब्लैक, सॉरी बिल्ला, फिर ये आ गया बिल्ली, तो अब हम इसे करंटली बिल्ली से बुलाते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत बहुत ही मजाकिया हो जाता है जब कोई मेहमान आता है, हम कहते हैं बिल्ली छुपो, वो सोचता है छोटी बिल्ली, और जब ये सामने आता है तो फिर पता चलता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है
एल गुणा बी गुणा एच। देखो वॉल्यूम का तो हमेशा फॉर्मूला यही होता है कि तीनों भुजाओं का गुणा, ठीक है ना। ये फॉर्मूले आपने अगर कर लिए तो आप 13.1 और 13.5 दोनों कर सकते हो। अब जो बच्चा एनसीईआरटी करना चाहता है या जो बच्चा पीआरटी करना चाहता है क्वालिफाई 20 में से 20, और जो बच्चा क्लास 9th का एनसीईआरटी करना चाहता है, वो आप 13.1 और 13.5 मेरे साथ करेगा, ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा है भाई, चाहो तो मजे कर सकते हो जिंदगी भर। याद रखना मजा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलो हम गरीब है तो यही दाएं बाएं लिखेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, पढ़ना आना चाहिए। लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये गहराई ऊंचाई हो जाता है, गहराई ही ऊंचाई हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां कर देते हैं पहला क्वेश्चन। एल है 1.5 मीटर, बी है 1.25 मीटर और एच है 0.65 मीटर। बस ये ध्यान रखना, ये मीटर है, ये मीटर है, तो ये भी किसमें होना चाहिए, मीटर में। और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करते हैं, ठीक है ना। हटाओ, हो गया। कह रहा है इट इज ओपन एट द टॉप, मतलब ऊपर से खुला है, तो वो किसकी बात कर रहा है, पांच फेस की। किसकी बात कर रहा है, पांच फेस की। और तीनों डायमेंशन अलग है, तो ये भी समझ आ गया कि ये क्या है, क्यूबॉइड है। क्या है, क्यूबॉइड है। बस अब क्यूबॉइड का 5 फेस एरिया लगा दो, 5 फेस एरिया, हिंदी में 5 पृष्ठ क्षेत्रफल। मैथमेटिक्स में हिंदी इंग्लिश नहीं होता, ठीक है। कभी इतने गिर जाओगी, बस एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी निकाल लो, 2। और या फिर ये भी लगा सकते थे, 2 LB BH HL और फिर ब्रैकेट बंद, फिर माइनस एल बी, जैसे करना हो। एल प्लस बी यानी कि 1.5 प्लस 1.25 इंटू एच दैट इज 0.65 प्लस एल बी, एल इज 1.5 एंड बी इज 1.25। इसे जो सॉल्व करके एरिया आएगा वो आपका पहला आंसर हो जाएगा। अब वो कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपए। तो जो एरिया आपका आएगा उसे 20 से गुणा करोगे, आपका सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना आपसे कि आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके देखो, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, तो यानी कि ऑब्वियस ही बात है क्यूबॉइड है। क्या है, क्यूबॉइड है। क्वेश्चन में सब दिया होगा, ठीक है ना। तो यहां लिख देता हूं, एल है इसका 5, बी है इसका 4, एच है इसका 3, ठीक है ना। अब कह रहा है कि व्हाइट वॉश करना है कहां पे, वॉल्स में और सीलिंग में। मतलब ये क्लियर कर दिया इसने कि 5 फेस पे करना है। कितने फेस पे करना है, 5 फेस पे, क्लियर कर दिया ना। चलो बहुत अच्छी बात है। 5 फेस एरिया लगा दो, 2 L+B 5 जमा 4 गुणा एच प्लस एल बी, गुणा कर दो 20। अब देखो 9 9 दुनिया 18, 18 दिया 54, 54 और 20 74, ये आ गया एरिया। लेकिन इसकी कॉस्ट ये दे रखी है, तो आप क्या करोगे, 74 को 7.5 से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो बहुत तरीके हैं, आप जैसे चाहो ऐसे कर सकते हो, गुणा करोगे तो यू विल गेट आंसर। ओके, पहले मैं इसे मिटा देता हूं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जब तक साथ साथ हम पढ़ के देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है रेक्टेंगुलर फ्लोर, सारे मैं कराऊंगा, बस आपने मेरा साथ देना है और पढ़ाई करनी है, आपको बहुत फायदा होगा, चाहे आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कुछ कर रहे हो, ठीक है ना, या फिर आप 9th क्लास में हो, आपको बहुत आसानी लगेगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मेरी गारंटी से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा तभी हो पाएगा, ठीक है। चलो तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3rd पे। क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया, 2 करा दिया, 3 पे आते हैं। फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर दे रखा है, तो यहां लिखता हूं तीसरे का आंसर। पेरीमीटर दे रखा है 250। इसके बाद अब सुनना, क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारें, मतलब LSA की बात कर रहा है, और रेक्टेंगल का मतलब क्यूबॉइड है, ये सब हिंट दे रखी है ना। चलो आगे, एक 10 मीटर स्क्वायर के हिसाब से इतना है, तो देखो टोटल कॉस्ट आई 15,000 और 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपए थे, तो 1500 मीटर स्क्वायर उसका एरिया हो गया, दैट इज LSA। अब आप कहोगे सर आपने कैसे पता चला, तो देखो आप एक घर में सफेदी करने वाले को लाए, उसने कहा भाई एक रूम का मैं 100 रुपया लूंगा,
और आपसे लेके गया वो 700 रुपए, कितने रुपए? 700 रुपए। तो कितने रूम होंगे आपके घर में? आप कहोगे धड़ाक से 7, क्योंकि आपको पता चल गया 700 भाग 100 कितना हो गया, 7। यानी कि आपने टोटल कॉस्ट को डिवाइड किया उसकी इंडिविजुअल कॉस्ट से, तो ये टोटल कॉस्ट है और ये इंडिविजुअल कॉस्ट है। अब आगे देखना मैं क्या कह रहा हूं। अब हम गरीब हैं, ये दाएं बाएं कर रहे हैं, पेज ऐड करना सीख जाऊंगा, मजा आएगा, लेकिन इसमें भी काम चला लूंगा, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, एलएसए आ गया। एलएसए का फॉर्मूला क्या होता है? एलएसए का फॉर्मूला होता है 2 (L+B)/H। एलएसए कितना है? 1500। 2 की जगह 2। अब देखो 2 की जगह 2 नहीं, ये जो 2 L+B दिख रहा है ना, जिसने बचपन में थोड़ा भी पढ़ा हो ये पता होता है पेरीमीटर, परिमाप का फॉर्मूला। तो इसकी जगह लग दिया 250 और एच की जगह एच। अब 250 से ही जाएगा 6, तो एच बराबर 6 मीटर, एच बराबर 6 मीटर। तो इस वाले का आंसर क्या आ गया, कितनी हाइट होगी? 6 मीटर। समझ आया ना, बस ऐसे ही तो करनी है सारी चीजें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं तो क्या कह रहा है, द पेंट इज इन सर्टेन कंटेनर सफिशियंट टू, मतलब पेंट इतने एरिया को कर सकता है। ये एल है, ये बी है, एच है। पहले वाला एल होता है, दूसरे वाला बी होता है, तीसरे वाला एच होता है। कितने एरिया को पेंट कर पाएगा ये पूछ रहा है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि ईटों में पेंट कहां कहां करना है। जब ये ना बताए ना कहां कहां करना है, तो आप मान के चलते हो सब जगह करना है। तो पहले टीएसए निकालोगे। टीएसए क्या होता है? 2 LB BH और HL, यही होता है। 2 की जगह 2 रखोगे, LB इन दोनों की गुणा करके रखो, इतना तो फास्ट होना चाहिए। 225 इन दोनों की गुणा, 75 इन दोनों की गुणा, तो यहां रफ में कर लेते हैं 22.5, 7.5, 5, 2, 5 दुनी 10, 12, 11, 7 दिन 15, 7 दिन 14, 7 दिन 14, 7 दिन 17, 7 दिन 15, तो 5, 7, 8, 6, 1, तो 168.75, 168.75। अब इन्हें सॉल्व करना है तो कर लेते हैं, चलो हमें क्या दिक्कत है, तो हमें क्या दिक्कत है देख लेते हैं। 225 और 75 कितना हो गया? 300, 300 ये हो गया 2 × 468.75। अब 2 × 10 का 0 हासिल हो गया, 2 × 4 = 1, 2 × 8 = 17, 1 × 7 = 1, 2 × 6 = 12, 13 × 3 हासिल हो गया, 2 × 4 = 2। देखो ये आ गया, लेकिन ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि डायमेंशन किस में दिया था? सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब सुनना, मैं आपको एक और कहानी बताता हूं। आपके पास पेंट है 10 लीटर, कितना पेंट है? 10 लीटर, सुनते रहना। और आपके एक कमरे में लग रहा है 5 लीटर, कितना लग रहा है? 5 लीटर। तो आप कितने कमरे पेंट कर सकते हो? आप कहोगे 2 कमरे, क्यों? आपने 10 में से 5 भर दिया, वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। टोटल एरिया जो लग सकता था 9.375 ऊपर रखा, और नीचे जितना आपके पास एक ईंट खा रही है वो रखा, लेकिन ऊपर मीटर स्क्वायर में, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर में, बस इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसके लिए क्या करोगे, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से गुणा करते हैं। तो कर दो 10,000 से गुणा, तो हो जाएगा 93750 / 93750। पॉइंट हटाने का 1 0 जाएगा, इससे जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 100। यानी कि कितनी ईटे पेंट हो सकती है बच्चों? 100 ईटे, ठीक है ना। अगर ये सेशन पसंद आया आपको, KVS PRT वालों आपसे भी कह रहा हूं, और 9th क्लास के बच्चों आपसे भी कह रहा हूं, अगर ये सेशन पसंद आया तो कमेंट में लिखो, हाँ सर बहुत मजा आया, मैं कंटिन्यू करूंगा और मेंसुरेशन पूरी कराऊंगा क्लास 9th की और क्लास 10th की, और मैं सब कुछ लुटा दूंगा आपके लिए, सब कुछ फ्री कर दूंगा पढ़ाई में, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये सीखा है, मेरे किसी काम का नहीं है अगर मैं किसी को सिखा ना सकूं।